आ गए सबके सब। अच्छा अभी आ रहे हो। ए इधर 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 बैठ, इधर बैठना है, उधर नहीं, तुम इधर। अरे वो यूट्यूब वाला भी नहीं आया। यूट्यूब वाला वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, चलो COVID-19 है मेंटेन करो। पबजी वाला इधर इधर बैठो इधर। अरे टिकटॉक वाले किधर गए? चल एकदम पास में बैठ, पास में बैठ के टिकटॉक चलाएगा। यहां पे भी सब आ गए। क्या करने आए हो? बाबा जी का प्रवचन सुनने आए हो? आरके बाबा का जयकारा भी लगा दो। खत्री बेटा लगाओ जयकारा, आरके बाबा की लग गया, शुरू करें। बहुत ज्यादा ही खुश थे। खुश थे कैसे? यही ठीक, खुश थे तो सुनो। क्या सोच रखा था तुमने कि एग्जाम नहीं होगा? किसकी तरह? इस साल के 12th के बच्चों की तरह यही सोच रखा था ना तुमने? और मैंने क्या कहा था? कान खोल के सुन लो, कान में खूंटा घुसा है तो खूंटा निकाल के सुन लो। एग्जाम तो होके रहेगा, कोई एग्जाम नहीं रोक पाएगा। तो क्या जो गली मोहल्ले में जनरल स्टोर की तरह स्कूल खुले थे, गली मोहल्ले में जो जनरल स्टोर की तरह स्कूल खुले थे, वो झक मारने के लिए ऑनलाइन क्लास चला रहे थे या तुम्हारे पापा को तुमको लूटने के लिए? बताओ, जो गली मोहल्ले में पान की दुकान की तरह जनरल स्टोर की तरह स्कूल खुले हैं पूरे भारत में, वो झक मारने के लिए ऑनलाइन क्लास चला रहे थे कि तुम्हें और तुम्हारे बप्पा को लूटने के लिए? बताना, इसका मतलब क्या था? उनको कहीं से तो कुछ आइडिया रहा होगा ना कि सरकार और शिक्षा विभाग एग्जाम तो जरूर कराएगा, और अगर हम तनिको नहीं पढ़ाएंगे, एक तो वैसे प्राइवेट वाले नहीं पढ़ाते, सरकारी वाले माशाल्लाह हैं, और जो पढ़ाते हैं कौन? कोचिंग वाले, जो दुकान में बैग टांग के चले जाते हैं वही पढ़ाते हैं। तो प्राइवेट वालों ने क्या सोचा था? यार कुछ पढ़ा लिया जाए, नहीं तो अगले साल जब एग्जाम होगा तो सारी दुकानें उनकी क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। जब बच्चे कॉपी में सादा लिख के आएंगे तो क्या बोर्ड पास कर देगा उनको? कतई पास नहीं करता। इसीलिए वो ऑनलाइन क्लास चला रहे थे, इसीलिए वो तुम्हें लूट रहे थे, इसीलिए वो तुम्हारे मम्मी पापा को लूट रहे थे ऑनलाइन क्लास के नाम पे। तब भी नहीं समझ में आया कि काहे लूटा जा रहा है, नहीं समझ में आया कि इसका क्या मतलब है। तब भी एक पबजी बैठ जा, बैठ जा, एक टिकटॉक किया तू भी बैठ बैठ। बहुत लगा था ना तुम लोगों को कि एग्जाम नहीं होगा, फिर उसके बाद एक हो हल्ला मचा दिए थे कि अगर एग्जाम होगा तो सिलेबस कम होगा। और बची हुई तुम्हारी कसर किसने पूरी कर दी? CBSE ने पूरी कर दी। आज ही तुम्हारी मन की मुराद पूरी कर दी कि बहुत चाहते थे ना कि सिलेबस रिड्यूस हो जाए, लो रिड्यूस हो गया। ए टिकटॉक वाले सुन, कान खोल के। ए पबजी वाले तो भी कान खोल के सुन। हर एक सब्जेक्ट से सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। CBSE ने आज जो सिलेबस रिड्यूस किया है वो यही बता रहा है कि एग्जाम होने जा रहा है मार्च 2021 में। एग्जाम नहीं होता तो सिलेबस का क्या मतलब है? खुद सोचो, एग्जाम अगर नहीं होता तो सिलेबस का क्या मतलब है रिड्यूस करने का? 30% सिलेबस रिड्यूस किया इसीलिए ना कि बचे हुए समय में पूरी मेहनत से पढ़ाए टीचर, टीचर पढ़ा पाए या ना पढ़ा पाए तुमको पढ़ना है। पहले की तरह तुम्हें अपनी यहां कंधे पे एक बैग टांगना है और दुकान दुकान पहुंचना है। दुकान समझ लेना कौन सी दुकान। तो एग्जाम होगा ये तो कंफर्म हो गया। तो अब ये टिकटॉक, ये ओ पबजी वर और वो क्लैश ऑफ क्लैंस वगैरह जो फलाना धमाका गेम वूम है, सुन लो सबके सब, मार्च 2021 की तैयारी शुरू कर दो। खुशी जितनी मनानी मना लो, इसका असर तुमको 2 साल बाद मिलेगा। 2 साल बाद कैसे? जब तुम ग्रेजुएशन में जाओगे तब, क्योंकि जो यहां पे छूटा है वो वहां पे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तब फिर तुम्हारे यहां से धुएं निकलेंगे,
440 वॉट का झटका लगेगा। ये टिकटॉक वाले, ये पबजी वाले बहादुर और यूट्यूब वाला, ये मेरा जो एक्टर बेटा बैठा है, ये देखो ये बैठा है, ये इसके लिए खुशखबरी हो गई, लेकिन इंटर के बाद बैठ के रोएगा। और एक बाल्टी लेके जाना सब लोग इसके आंसू भरने के लिए। अब इंटर वाले इस साल तो बच गए, लेकिन बेचारे जो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस और न जाने कितने कोर्स भारत में चल रहे थे, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, एम लिट, बी लिट, जितने भी चल रहे थे, उनके फाइनल ईयर स्टूडेंट्स फंस गए, वो बर्बाद हो गए, उनको शिक्षा विभाग और यूजीसी ने बर्बाद कर डाला, कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों? सरकार ने ऐसे हाथ खड़े कर दिए। ये देखो ट्वीट, देखो इसका ट्वीट, ट्वीट एमएचआरडी का ट्वीट देखो, ट्वीट में क्या लिखा है, ट्वीट में साफ साफ लिखा है कि भविष्य में इनको इनकी नौकरी में होने वाली समस्याओं को देखते हुए इनका फाइनल ईयर का एग्जाम कराया जाएगा। कैसे कराया जाएगा? यूजीसी ने तुरंत क्या किया, गाइडलाइन जारी कर दी कि एग्जाम कराइए, कैसे भी कराइए, ऑफलाइन कराइए या ऑनलाइन कराइए, बट एग्जाम कराइए। क्यों? क्योंकि एमएचआरडी ने कह दिया। वैसे ही तुम्हारा 30% सिलेबस रिड्यूस होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 9 के बच्चों का सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश कोई समस्या नहीं करेगा, बट मैथ और साइंस बहुत समस्या करेगा। वैसे ही 10th में मैथ और साइंस बहुत समस्या करेगा, 11th और 12th में जितने भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके जितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तुमको 2 साल बाद उसके दुष्परिणाम नजर आएंगे। ए टिकटॉक के पहले बैठ, ए पबजी बैठ, उड़ना नहीं बैठ, अभी पूरी बात नहीं हुई। तो इसीलिए ऑनलाइन क्लास चल रही थी गली मोहल्ले में, इसीलिए कि बच्चे को कुछ तो पढ़ा दिया जाए, नहीं तो अगले साल जब एग्जाम होगा मार्च 2021 में, तो हम उसको कुछ पढ़ाए रहेंगे नहीं, कॉपी में सादा लिख के आएगा और उनकी दुकान पे ताला लग जाएगा, जो गली मोहल्ले में जनरल स्टोर की तरह दुकानें खुली थी, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे दो, सबके सब पढ़ाई पे ध्यान दो। और ये पबजी 30% कम हुआ है, तुम्हारे लिए फायदा है, टिकटॉक यूट्यूबर्स तुम्हारे लिए भी फायदा है, बैठे रहो, अभी बैठे रहो, अभी 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 बैठे रहो। तो जितनी जल्दी हो मन से पढ़ाई शुरू कर दो। एमएचआरडी का ट्वीट ऑफिशियल अकाउंट से मिल जाएगा, यूजीसी का यूजीसी की वेबसाइट से मिल जाएगा, और सिलेबस रिड्यूस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी भी समय है, उठो और लग जाओ पढ़ाई में, पबजी और टिकटॉक में नहीं, जब देखो तब पबजी टिकटॉक बैठ।